हेलो एवरीवन, स्टडी अपडेट आई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 41,520 वाली भर्ती के लिए बहुत बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी लेकर के आया हूं दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों को कुछ ही चंद नंबरों से सिलेक्शन में नंबर नहीं आया था, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बराबर में जो बेल आइकन घंटी है उसको दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज स्टडी अपडेट हम चैनल के द्वारा मिल सके, क्योंकि हर एक न्यूज़ आपको ऑथेंटिक विद प्रूफ के साथ स्टडी अपडेट हम चैनल दिखाता है। तो दोस्तों अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पल पल की ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। यूपी पुलिस 41,520 इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश मिल गया है कि 7,000 खाली पड़े पद अभ्यर्थियों को मिलेगा बहुत बड़ा मौका, जल्दी से सेकंड लिस्ट भी आएगी। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, अगर जिसका नाम नहीं आया वो देख लें। तो दोस्तों वीडियो का पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पर अभी नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से सभी मित्रों में शेयर कर दो, जिससे उनको भी पता चल सके जो कम नंबर ऑफ में रह गए थे उनके लिए दोबारा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने मांगा कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो खाली पद पड़े रह गए थे, यानी 7,000 जो पद रह गए थे पिछली बार वैकेंसी 2018 के अंदर 41,520 वाली की भर्ती के अंदर, उसका ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया है, और इस भर्ती को बहुत से जल्द यहाँ पर पूरा करा दिया जाए। तो देखते हैं क्या है अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग की 2015-2018 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि दोनों भर्ती परीक्षाओं में कितने ऐसे पद बचे हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी है। अजय प्रकाश मिश्रा से दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने दिया है। याचिका अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 29 दिसंबर 2015 को जारी हुआ था, तथा इसका अंतिम चयन पड़ा 21 मई 2018 को जारी किया गया, जिसमें कि 5,694 पद रिक्त रह गए। इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, यानी कि इन पदों को अगली भर्ती के अंदर नहीं जोड़ा गया, क्योंकि 2018 की भर्ती का विज्ञापन 2015 की भर्ती का परिणाम जारी होने से पहले जारी हो चुका था। इसी प्रकार से 2018 की कांस्टेबल भर्ती में भी सभी पद भरे नहीं जा सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जिन 41,520 वाली भर्ती के अंदर जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन से बाहर हो गए थे, उसमें करीब 7,000 पद खाली पड़े हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर दोबारा मौका मिलने वाला है। और दोस्तों जो कुछ ही नंबरों से रह गए थे, क्योंकि मैरिट सेकंड लगने वाली है, सेकंड मैरिट के अंदर उनके पूरे पूरे चांस बन जाएंगे, और ये भर्ती प्रक्रिया 49,568 वाली भर्ती से पहले होने वाली है। इनका सबसे पहले ट्रेनिंग इन्हीं अभ्यर्थियों की कराई जाएगी। जो 7,000 अभ्यर्थी रह गए हैं उनके लिए यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को इस भर्ती के अंदर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसे ही अपडेट लेना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, आपको जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी, अभी से जुड़ जाइए। दोस्तों हमारे द्वारा जी की जानकारी आपको पसंद भी आई होगी कि मैंने आपको दिखा दिया विद प्रूफ के साथ, ये आज का ही न्यूज़पेपर है, बाकायदा आप देख सकते हैं। 2015-2018 की भर्तियों में बचे पदों का स्टेटस बताने का निर्देश हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है भर्ती बोर्ड से, कि जो पद रह गए थे उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए और इनको ट्रेनिंग पर यहाँ पर भेजा जाए। तो दोस्तों यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताई। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।